गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर प्रशांत खरे, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, टाटा कॉलेज, चाईबासा से। आज के इस वीडियो में मैं सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट के लिए, जिनका पेपर टाइटल कोड है CC5 यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। टॉपिक है क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, JB सेज लॉ ऑफ मार्केट, यानी प्रतिष्ठित रोजगार का सिद्धांत और JBC के बाजार का नियम। ये टॉपिक आपके पेपर का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और संभवतः आपके आने वाले एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से सीधे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न इस तरह से हो सकता है कि रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत का वर्णन करें, या फिर क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, इस कथन की व्याख्या करें, यानी पूर्ति अपना मांग स्वयं तय करती है, इस कथन की व्याख्या करें। तो सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन हम देंगे। इंट्रोडक्शन में इस तरह से रहेगा कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों यानी क्लासिकल इकोनॉमिस्टों का ये मानना था कि एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार एक सामान्य स्थिति है, जिसमें उत्पादन के साधनों में श्रम और अन्य साधनों में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है, और कभी पूर्ण रोजगार में डेविएशन होता भी है यानी विचलन होता भी है, तो वह फिर पूर्ण रोजगार की तरफ अग्रसर होता है। और उन लोगों ने यानी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने हमेशा से ये माना है कि अहस्तक्षेप की नीति होनी चाहिए, यानी अगर सरकार किसी कारण से भी हस्तक्षेप करती है तो वैसी स्थिति में बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। फिर JBC के नियम को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे पैराग्राफ चेंज करके, क्योंकि JBC का जो बाजार का नियम है वो रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत का आधार बिंदु है। फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जीन पीपेस्टे से, जिनको शॉर्ट में हम बोलते हैं JBC, इन्होंने 1806 में एक पुस्तक लिखी थी और पुस्तक का टाइटल था ट्रीटी दी इकोनॉमिक पॉलिटिक, जिसमें उन्होंने कहा था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी पूर्ति अपना मांग स्वयं तय करती है। और फिर उन्होंने इस चीज को व्याख्या भी किया, इसकी व्याख्या भी की। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना था कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में समानता, ब्याज के दर में परिवर्तन करके तय की जाती है। तो इन तमाम बातों को हम रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत के अंतर्गत देखेंगे, जिसमें JBC के बाजार का नियम भी शामिल है, यानी JBC का बाजार का नियम रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत का आधार बिंदु है, और इस तरह से हम लोग इसको डील भी करेंगे। इसके लिए फिगर का भी सहारा लिया जाएगा, फिगर में हम लोग उस चीज़ को प्रूफ भी करेंगे और फिर कंक्लूजन भी देंगे। कंक्लूजन में अर्थशास्त्री पीगू ने अंत में इस रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत में कुछ संशोधन किए थे और अपने मत को भी प्रकट किया था। इन तमाम बातों को इस सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस प्रश्न का, अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाएं, तो उसका आप आंसर किस तरह से लिखेंगे। इस प्रश्न का इंट्रोडक्शन इस तरह से होगा कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने पूर्ण रोजगार को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की एक सामान्य स्थिति माना है। प्रतिष्ठित विचारधारा के अनुसार अर्थव्यवस्था में हमेशा श्रम एवं अन्य साधनों को पूर्ण रोजगार प्राप्त रहता है, जो कि एक सामान्य स्थिति है। यदि कभी पूर्ण रोजगार से डेविएशन, जिसे विचलन कहते हैं, विचलन होता है, तो यह एक असामान्य स्थिति होती है तथा अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति
हमेशा पूर्ण रोजगार की ओर जाने की होती है। तो प्रतिष्ठित रोजगार के सिद्धांत की कुछ मान्यताएं भी हैं, जिसे हम एजम्पशंस ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं, वो इस तरह से है। इसको आप पॉइंट वाइज लिखेंगे जिस तरह से मैंने असेंबल किया है। पहला पॉइंट रहेगा, अर्थव्यवस्था में बिना इन्फ्लेशन के पूर्ण रोजगार की स्थिति रहती है, यानी अर्थव्यवस्था में अगर मुद्रा स्फीति नहीं भी रहती है तो पूर्ण रोजगार की स्थिति बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अर्थव्यवस्था में कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि क्लासिकल विचारधाराओं का यह मानना था कि सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, वस्तु और साधन बाजार दोनों में पूर्ण प्रतियोगिता होती है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है, मजदूरी एवं कीमतें लोचपूर्ण होती हैं। नेक्स्ट है, मजदूरी मौद्रिक मजदूरी तथा वास्तविक मजदूरी में प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप देंगे, मुद्रा निष्क्रिय यानी पैसिव होती है, अर्थात यह केवल विनिमय माध्यम का कार्य करती है। फिर आप पैराग्राफ चेंज करके JBC के बाजार के नियम के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, जिसमें आप इस तरह से लिख सकते हैं, फ्रांसीसी लेखक जीन बैपिस्ते से, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं जेबी से, उनकी पुस्तक, यहाँ पुस्तक में आप साल नोट कर लेंगे 1806 है, जो यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है, आप इसको अलग से ऐड कर लेंगे कि 1806 में ट्रेटी द इकोनॉमिक पॉलिटिक एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जेबी से की, जिसमें उन्होंने कहा था कि सप्लाई ऑलवेज क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी प्रोफेसर जेबी से का विचार बाजार का नियम रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत का आधार बिंदु है। प्रोफेसर से के नियम का संक्षेप में सार यह है कि जनरल ओवर प्रोडक्शन असंभव है, उत्पादन ही वस्तुओं के लिए बाजार का सृजन करता है। जैसे ही किसी वस्तु का उत्पादन होता है उसी क्षण वह अन्य उत्पादनों के लिए बाजार प्रदान करता है जो उसके कुल मूल्य के बराबर होता है। प्रोफेसर से की यह मान्यता थी कि लोगों के उत्पादन करने का मूल कारण उपभोग से संतुष्टि प्राप्त करना है, अतः विनिमय वाली अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन किया जाता है वह अन्य उत्पादनों की मांग का प्रतिनिधित्व करता है। इस दृष्टि से अतिरिक्त पूर्ति अतिरिक्त मांग होती है। प्रोफेसर से यह स्वीकार करते हैं कि मांग के गलत आकलन से किसी विशेष वस्तु का अति उत्पादन हो सकता है, किंतु यह एक अस्थायी स्थिति हो सकती है क्योंकि उत्पादन की मात्रा घटाकर इसे ठीक किया जा सकता है। प्रोफेसर से ने यह निष्कर्ष निकाला है कि चूंकि सामान्य ओवर प्रोडक्शन नहीं हो सकता, अतः सामान्य बेरोजगारी भी नहीं हो सकती। यह प्रक्रिया वस्तु विनिमय के साथ ही मुद्रा विनिमय पर भी लागू होती है। फिर आगे हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे, आगे इस तरह से कंटिन्यूड रहेगा ये प्रश्न आपका। आगे फिर आप पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, एजम्पशंस ऑफ सेज लॉ ऑफ मार्केट, यानी जेबी से के जो बाजार का नियम थे उनकी मान्यताएं क्या क्या थी। तो सबसे पहला मान्यता इसमें आप लिखेंगे, मुद्रा लेन देन के उद्देश्य के लिए है। सेकंड है, मजदूरी तथा कीमतें लोचपूर्ण होती हैं, अर्थात मजदूरी में कटौती की जाती है तो कीमतें घट जाती हैं। उत्पत्ति के साधनों और वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। फिर आप देखेंगे सेल्स के लॉ इन एक्सचेंज इकोनॉमी, इसमें प्रोफेसर से के नियम को जब हम मौद्रिक अर्थव्यवस्था पर लागू करते हैं तो स्पष्ट होता है कि मांग का मुख्य स्रोत साधनों की आय है जो उत्पादन प्रणाली से पैदा होती है। जब उत्पादक उत्पादन करने के लिए उत्पत्ति के साधनों को लगाता है तो उन साधनों को लगान, मजदूरी, ब्याज के रूप में जो आय प्राप्त होती है उससे उत्पादित वस्तुओं की मांग होती है। इस तरह जो पूर्ति होती है उसकी मांग पैदा हो जाती है। यह तर्क इस मान्यता पर आधारित है कि साधनों को जो आय प्राप्त होती है उसे उन वस्तुओं पर खर्च कर दिया जाता है जिनका वे उत्पादन करते हैं।
आय का जो अंश व्यय नहीं किया जाता उसका स्वतः विनियोग कर दिया जाता है। इस तरह बचत और विनियोग दोनों बराबर होते हैं। फिर आप पैराग्राफ चेंज करके आगे कंटिन्यू करेंगे, उसमें आप लिखेंगे, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार समाज की बचत एवं विनियोग में समानता ब्याज की दर द्वारा स्थापित होती है। यदि बचत की मात्रा अधिक होती है तो ब्याज की दर में होने वाले परिवर्तन बचत को कम करके विनियोग को उस मात्रा तक बढ़ाते हैं जब तक कि बचत और विनियोग दोनों बराबर नहीं हो जाते। ब्याज की दर में वृद्धि से बचत की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तथा ब्याज की दर में कमी होने से बचत की मात्रा घट जाती है। ब्याज की दर घटने से विनियोग को प्रोत्साहन मिलता है तथा अतिरिक्त बचत का विनियोग हो जाता है। बचत और विनियोग में समानता को एक रेखा चित्र के द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है, जो इस प्रकार है। आप इस प्रकार से रेखा चित्र को भी आप स्पष्ट कर सकते हैं। रेखा चित्र में आप देखेंगे कि इस रेखा चित्र में ओ एक्स अक्ष पर, यानी ओ एक्स अक्ष पर यहाँ पर आप देख रहे हैं बचत और विनियोग को दर्शाया गया है, जबकि ओ वाई अक्ष पर ब्याज की दर को, यानी ओ वाई अक्ष पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्याज की दर को दर्शाया गया है। एस एस बचत वक्र है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एस एस जो है ये बचत वक्र है, और आई आई विनियोग वक्र है, यहाँ पर आप देख रहे हैं आई आई विनियोग वक्र है। यह दोनों वक्र एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। जहाँ ब्याज की दर ओ आर है, यहाँ पर देखिए ब्याज की दर ओ आर है, इस बिंदु पर बचत और विनियोग की मात्रा ओके है, यानी विनियोग और बचत और विनियोग की मात्रा आप देख रहे हैं ओके है। यदि विनियोग में वृद्धि हो जाती है, अर्थात विनियोग बढ़कर आई डैश होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं नया विनियोग की रेखा आई डैश हो जाती है, तो ब्याज की दर बढ़कर, तो ब्याज की दर ओ आर पर, ब्याज की दर ओ आर पर विनियोग की मात्रा ओ एम बचत की मात्रा ओ के से अधिक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ओ एम जो है ये ओ के से अधिक है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के मान्यता के अनुसार विनियोग में वृद्धि होने पर बचत में परिवर्तन नहीं होता, यानी बचत जो आपका है, सेविंग जो है आपका, जैसा है वैसा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात बचत वक्र अपने मूल स्थान पर ही रहता है, वो अपने जो मूल स्थान है उसी पर वह रहता है। फिर आगे इसको आप कंटिन्यू करेंगे, अतः बचत और विनियोग में समानता बनाए रखने के लिए बचत की दर में वृद्धि होगी। रेखा चित्र में ब्याज की दर ओ आर से बढ़कर ओ आर वन हो जाती है, आप यहाँ पर देख रहे हैं बचत की दर पहले ओ आर थी, यहाँ पर अब ये ओ आर वन हो जाती है। इस ब्याज की दर पर बचत वक्र और बढ़े हुए विनियोग वक्र आई 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 डैश एक दूसरे को ई डैश बिंदु पर काटते हैं, यहाँ पर आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं, यहाँ पर ई डैश बिंदु पर आई डैश जो है एस एस वक्र को ई डैश बिंदु पर काट रहा है। इस बिंदु पर बचत और विनियोग दोनों की मात्रा ओ एल के बराबर होती है, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं ओ एल के बराबर, यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं यहाँ पर ओ एल के बराबर हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ई डैश पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं, एस एस वक्र को आई डैश जो है ई डैश पर काट काट रहे हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया ओ एल, ओ एल के बराबर यहाँ पर होती है। फिर आगे मेंशन करेंगे, मौद्रिक अर्थव्यवस्था में प्रोफेसर से का बाजार का नियम प्रतिष्ठित मुद्रा परिणाम सिद्धांत पर आधारित है, जो यह स्पष्ट करता है कि कीमत स्तर मुद्रा की मात्रा का परिणाम है। अब कंक्लूजन ऑफ सेज लॉ ऑफ मार्केट, इसमें जो जेबी से के बाजार का नियम था उसका आप निष्कर्ष क्या निकालेंगे, उसके निष्कर्ष को आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली में सेल्फ एडजस्टमेंट कार्यशील होती है और इसी सेल्फ एडजस्टमेंट के कारण पूर्ति अपने मांग स्वयं उत्पन्न करती है। नेक्स्ट पॉइंट देंगे, अर्थव्यवस्था में ओवर प्रोडक्शन एक असंभव दशा है। फिर थर्ड पॉइंट देंगे, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देंगे, बचत और विनियोग में समानता होती है।
फिर नेक्स्ट पॉइंट देंगे, अर्थव्यवस्था में बिल्ट इन फ्लेक्सिबिलिटी यानी लोचशीलता निहित होती है और किसी सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। अब इसमें अंत में आप देंगे, पीकू ने इस संदर्भ में इस प्रतिष्ठित रोजगार के सिद्धांत में उन्होंने क्या कहा था, तो पीगू ने इसमें कुछ संशोधन किया था। तो पीगूज वर्सन ऑफ एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, इसमें क्या कहा था, प्रोफेसर पीगू ने श्रम बाजार के संदर्भ में से के नियम की व्याख्या कर रोजगार सिद्धांत को अंतिम रूप दिया। उनका मत था कि स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में श्रम बाजार में आर्थिक प्रणाली की प्रवृत्ति स्वयं पूर्ण रोजगार देने की रहती है, किंतु यदि इस स्वतंत्र प्रणाली में हस्तक्षेप किया जाता है तो बेरोजगारी की स्थिति हो सकती है। पीगू ने अपने शब्दों में कहा था, जिसको यहाँ पर मैंने इनवर्टेड कॉमा में मेंशन किया है, वो क्या लिखा है, उन्होंने कहा है, पूर्ण स्वतंत्र प्रतियोगिता होने पर मजदूरी की दरों की प्रवृत्ति मांग से इस तरह से संबंधित होती है कि प्रत्येक को रोजगार प्राप्त हो जाता है। पीगू के अनुसार वस्तु बाजार की ही तरह लेबर मार्केट में भी सेल्फ एडजस्टमेंट यानी स्वतः समायोजन हो जाता है। पीगू के विचार से रोजगार का स्तर दो आधारभूत तत्वों पर निर्भर करता है, पहला है श्रम की वास्तविक मजदूरी पर और दूसरा है श्रम के वास्तविक फलन मांग फलन की आकृति पर। तो पीगू का विचार था कि मजदूरी की लोचशीलता अथवा मजदूरी कटौती अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति को स्वाभाविक रूप से बनाए रखती है। तो इस तरह से आपसे जब अगर ये प्रश्न पूछे जाएंगे कि रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत का वर्णन करें, तो आप अपना आंसर इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यूड करूंगा, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत पर केन्स ने किस तरह से प्रहार किया था या केन्स ने किस तरह से इस सिद्धांत की आलोचना की थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कंटेंट फिर देखेंगे।